दोस्तों इनकम टैक्स की जो नई सेक्शन है 194Q टीडीएस ऑन परचेज वाला, जो कि 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है, इसको लेके काफ़ी सारे डाउट्स टैक्स प्रोफेशनल लोगों के माइंड में थे भी, जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो कौन सी अमाउंट पे करना है, एडवांस पेमेंट की स्थिति के अंदर टीडीएस का क्या होगा, परचेज रिटर्न की कंडीशन के अंदर 194Q की जो सेक्शन है उसको किस तरीके से देखेंगे। तो अब फाइनली इसका जो सर्कुलर है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है, और इसका जो सर्कुलर नंबर है वो है सर्कुलर नंबर 13/2021, जो कि 30 जून 2021 को इशू किया गया था। अब इसमें कंप्लीट वो गाइडलाइन दी गई है जो इस सेक्शन के तहत हमें फॉलो करनी पड़ेगी, भी गाइडलाइन अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत में। तो दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो पहले भी बन चुके हैं, तो अगर हम बात करें भी 80% जो हमने पहले सोच रखा था भी इस 194Q के तहत ऐसा होगा लगभग वही है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग हुआ है। और जो चेंजिंग हुआ है वो हम बात करेंगे एज ए अकाउंटेंट के नज़रिए से भी, जो इस 194Q सेक्शन के तहत अब जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे उसमें जो हमारी एंट्री होने वाली है उसकी एंट्री हमें किस प्रकार करनी है। तो दोस्तों लगभग तो ये सबको पता ही भी 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल होना है। अब इसके ऊपर जो बायर है वो सेलर का टीडीएस काटेगा, दोनों की कंडीशन क्या थी, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो उनकी टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की रहनी चाहिए, और वो पर्टिकुलर किसी एक मतलब सप्लायर्स के साथ में जो 50 लाख रुपए की ज़्यादा की बिलिंग करवा चुके हो 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 तक। तो हम इस पूरे मतलब पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है एज ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नज़रिए से देखेंगे, तो वो सारी बातें हम 3-4 पॉइंट से हमें इसका पूरा पैराग्राफ है जो पूरी गाइडलाइन है वो सारी हमें समझ में आ जाएगी भी ये एक्ट है जो कहता क्या है। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट नंबर 4.2 है भी कैलकुलेशन ऑफ द ईयर सोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, अब इस पर तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लगभग सभी को पता है भी अब ये जो इसकी इफेक्टेड डेट है यानी कि जो एप्लीकेबल डेट है इसकी वो 1 जुलाई 2021 की है, और वो जो इसकी 50 लाख जो इसकी डियर शोल्ड एग्जम्पशन लिमिट है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्यूटेटेड होनी चाहिए, वो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है भी डियर शोल्ड ऑफ 50 लाख रुपीज अंडर दिस सेक्शन सेल बी कॉम्प्यूटेटेड एंड वेदर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस पेड बिफोर 1 जुलाई एंड सम क्रेडिट दियर आफ्टर, यानी कि 1 जुलाई से पहले तक 30 जून तक 50 लाख रुपए चाहे आपने पार्टी को डेबिट कर दी हो या उनके जो इनवॉइस है वो आपने क्रेडिट पार्टी को कर दिया हो, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 जुलाई 2021 से। तो जो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन जो बना हुआ था भी कन्फ्यूजन वही था भी जो अमाउंट जो डीटीएस डिडक्ट करना है वो कौन से मैटर पर करना है, तो ये सब कुछ वो है अभी तक इसके बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं, 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, जो फाइनेंस की जो कंडीशन है टर्म एंड कंडीशन वो सब हमको सबको पता है, तो इस पर हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब हम बात करते हैं 4.3 की भी, अब यहाँ पर इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भी एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी, पॉइंट नंबर अगर हम 3 की बात करें एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी और परचेज रिटर्न्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है इस गाइडलाइन में भी। यहां पर जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भी जो सर्कुलर 17 नंबर सर्कुलर जो आया था 2020 में 29 सितंबर 2020 को जो था सर्विस के मैटर को लेके था, अब उसमें भी तो क्या था भी आपको जीएसटी है वो आपको सेपरेटली अलग से रखना है, तो वो सेम कंडीशन अब 194Q के अंदर भी लागू हो गई है। अब 149Q का जो सेक्शन है अब वो आप यहां पर इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है भी अकॉर्डिंग, इस लाइन को अगर हम इस पैराग्राफ को अगर हम पूरा पढ़ लेंगे तो ये सारी कहानी इसकी समझ में आ जाएगी। अब यहां पर इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भी टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट द क्लेरिफाइड दैट द व्हेन द टैक्स डिडक्टेड एट टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट द अकाउंट ऑफ सेलर एंड इन टर्म्स ऑफ एंड द एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर द कॉम्पोनेंट
ऑफ जीएसटी कंप्राइज्ड इन द अमाउंट पेबल टू द सेलर इंडिकेट सेपरेटली, टैक्स शेल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट ऑन अमाउंट क्रेडिटेड विदाउट इंक्लूड जीएसटी। यानी कि अब आपको अगर आप अपने सप्लायर्स का परचेज इनवॉइस की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे अगर हम पहले करते हैं, तो हमें जीएसटी की अमाउंट को इंक्लूड करते हुए टीडीएस को डिडक्ट नहीं करना है। यानी कि हम जो इसकी बेसिक वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू हम जिसको बोलते हैं, जीएसटी से पहले की वैल्यू को, उसको ऊपर हमें टीडीएस है जो डिडक्ट करना है। तो ये काफी सारा एक कंफ्यूजन बना हुआ था, भी वो विद जीएसटी का टीडीएस कटेगा या जीएसटी से पहले जो टैक्सेबल वैल्यू है उसके ऊपर कटेगा। तो अब एक बात यहां पर क्लियर हो गई है भी, अब ये जो अमाउंट है विदाउट इंक्लूड जीएसटी ऑफ सच अमाउंट। लेकिन अभी यहां पर एक बात और बता दी गई है, हाउ एवर इफ द टैक्स इज डिडक्ट ऑन पेमेंट बेसिस बिकॉज द पेमेंट इज अर्लियर देन द क्रेडिट, द टैक्स वुड बी डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट इन द नॉट पॉसिबल और आइडेंटिफाइड दैट द पेमेंट विद जीएसटी कॉम्पोनेट्स ऑफ द अमाउंट टू बी इन्वॉइस्ड इन फ्यूचर। अब यहां पर एक बात क्लियर कर दी है भी, अगर आप परचेज की इनवॉइस की एंट्री पहले करोगे तो आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन अगर उस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप पेमेंट पहले करते हो तो अब आपको उस पूरी पेमेंट के ऊपर जो टीडीएस है डिडक्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, हम इसको एक इनवॉइस के थ्रू समझते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास एक इनवॉइस आया है, इनवॉइस की जो नेट वैल्यू है वो है 75 लाख रुपए की, और इसका जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट है वो है 63,55,932 रुपये 20 पैसे का। भी अगर ये इनवॉइस हमारे पास पहले आ जाता है, जो हमें टीडीएस जो डिडक्ट करना होगा वो हम इस अमाउंट के ऊपर जो टीडीएस है डिडक्ट करेंगे, यानी कि 63,55,932.20। अगर ये हमारा फर्स्ट इनवॉइस है तो हम इसमें से 50 लाख को माइनस करेंगे, जो जो पीछे बचेगा 13,55,932 रुपये का, तो उसके ऊपर हम भी 1,356 रुपये का टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर इस इनवॉइस के अगेंस्ट में हम पेमेंट पहले कर रहे हैं, जो पेमेंट हमें जो पार्टी को क्रेडिट किया है 75 लाख रुपए से, अगर हम इसकी 75 लाख रुपए की अमाउंट पहले एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि इनवॉइस इसका बाद में आएगा, तो उस कंडीशन में हमें इस 75 लाख में से 50 लाख को माइनस करेंगे, जो पीछे अमाउंट बचेगी 25 लाख रुपए, उस 25 लाख रुपए के ऊपर हमें 2,500 रुपए का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर ये एक दो अलग अलग रूल्स है, इनको हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉलो करना पड़ेगा। ये परचेज की एंट्री पहले है तो टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट करना होगा, और एडवांस पेमेंट है इनवॉइस की तो उस कंडीशन में 75 लाख रुपए में से जो मतलब जो हमारी एग्जम्पशन लिमिट है 50 लाख को, उसको माइनस करने के बाद में, ये माइनस एक बार ही हो गया, उसके बाद में तो कंटिन्यू आपका हर अमाउंट के ऊपर है जो टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। ये तो आपको ओनली फर्स्ट टाइम ही देखना है। तो एक मैटर अब इस रूल के तहत ये क्लियर हो गई है, जो यहां पर ये लिखा हुआ है, ये जो लाइन लिखी हुई है ये इसी के अगेंस्ट में ये जो सारा लाइन लिखा हुआ है। तो अब एक बात हो, ये हमारी क्लियर हो गई है। अभी अब हमें विद जीएसटी है जो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, और एडवांस पेमेंट अगर हम करेंगे तो पूरी अमाउंट के ऊपर हमें टीडीएस है जो डिडक्ट करना पड़ेगा। तो एक ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही यही बना हुआ था। और उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है 4.3.3 परचेज रिटर्न के अगेंस्ट में भी, अगर हमने कोई गुड्स परचेज कर लिया और किसी कारणवश अगर हमें उसको परचेज रिटर्न करना पड़े तो उस कंडीशन में टीडीएस का क्या होगा। तो अब इस कंडीशन में भी यहां पर इन्होंने ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भी, फर्दर विद रिस्पेक्टेड ऑफ टू परचेज रिटर्न इट इज क्लेरिफाइड दैट द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर अर्लियर। यानी कि आपको जो पेमेंट पहले कर रहे हो तो भी काटना पड़ेगा, या आप परचेज की एंट्री पहले कर रहे हो तो भी काटना पड़ेगा। दस बिफोर परचेज रिटर्न हैपन्स द टैक्स मस्ट हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q एक्ट ऑफ द परचेज। यानी कि आपने परचेज एंट्री कर ली है पहले, तो आपने तो टीडीएस है जो डिडक्ट कर लिया है, आपने जो पेमेंट करनी है मान ली उसके परचेज के अगेंस्ट में, आपने बाद में पेमेंट भी कर दी तो पेमेंट भी आपने टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपने कर दी है। लेकिन इफ देट द केस अगेंस्ट द परचेज रिटर्न इन द मनी रिफंड ऑफ द सेलर, यानी कि अगर उस सेलर को, यानी कि जो हमारा सप्लायर्स होगा उसको अगर हम गुड्स रिटर्न करना पड़े परचेज रिटर्न के बाद में, तो उस टीडीएस का क्या होगा।
बी देन दिस टैक्स डिडक्टेड मे बी एडजस्ट अगेंस्ट इन द नेक्स्ट परचेज अगेंस्ट द सेम सेलर। यानी कि आपने मान लीजिए, अब अगर हम इसी इनवॉइस की बात करें, ये जो हमारे पास इनवॉइस है, ये हमने इनवॉइस परचेज किया है। अब मान लीजिए ये तो चलो एक क्वांटिटी है, मान लीजिए हमारे पास ये दो क्वांटिटी होती और इस एक क्वांटिटी हमने 1 जुलाई को हमने परचेज किया है और हमने इसको 10 जुलाई, 2 जुलाई को इसकी पेमेंट भी कर दी, लेकिन 10 जुलाई को हमने इसमें से एक पीस है, क्वांटिटी है जो रिटर्न कर दी, तो उस कंडीशन में हमने जो TDS तो ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भी, ये कह रहा है इस परचेज के अगेंस्ट में अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको जो नेक्स्ट आपकी जो परचेज आएगी इसी पार्टी से, तो उस कंडीशन में आपको नेक्स्ट परचेज में से परचेज माइनस परचेज रिटर्न करने के बाद में जो अमाउंट आपकी बचेगी उसके ऊपर ही आपको TDS डिडक्ट करना है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न मनी रिफंड इन द सेलर देन द टैक्स डिडक्टेड मे बी एडजस्ट अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेज सेम सेलर, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इज द परचेज रिटर्न इज रिप्लेस्ड बाय द गुड्स। यानी कि अगर आपने उस क्वांटिटी को, उस आइटम को आपने मतलब रिटर्न ही कर दिया, तब आपको नेक्स्ट परचेज इनवॉइस में एडजस्ट करना है। अगर आपने कोई गुड्स रिप्लेस किया है, मान लीजिए सेम अमाउंट का ही आपको जो गुड्स है वो वापस आ गया, कोई मतलब स्टॉक आइटम आपकी चेंज हो सकती है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, तो आपको किसी भी टाइप की एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये किस कंडीशन में बताया गया है, ये रिप्लेस की कंडीशन में बताया गया है। रिप्लेसमेंट अगर आप करते हो, यानी कि एक सामान बेचते हो उसके अगेंस्ट के अंदर आपको कोई दूसरा सामान मिल जाता है, वैल्यू दोनों के सेम है, तो आपको कोई अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो बाय द गुड्स ऑफ द सेलर एज इन द केस ऑफ परचेज ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q एक्ट हैज बीन कंप्लीटेड विद गुड्स रिप्लेस्ड। यानी कि स्पष्ट रूप से लिख दिया है भी आपको जो परचेज रिटर्न करनी है वो आपको उस परचेज के अगेंस्ट में परचेज माइनस परचेज नहीं करना है, आपको जो नेक्स्ट इनवॉइस आएगा उसमें ही आपको रिप्लेस करना, उसमें मतलब एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, जो टैक्सेबल वैल्यू आपकी बन रही है और जो आपने रिटर्न किया था उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको माइनस करनी है। माइनस करने के बाद में जो नेट परचेज बचेगी उसके ऊपर ही आपको TDS है जो डिडक्ट करना है। तो ये काफ़ी सारे कन्फ्यूजन माइंड में बने हुए थे एक टैक्स प्रोफेशनल के, तो अब ये सारी बातें हैं जो क्लियर हो गई है ये गाइडलाइन आने के बाद में। तो नेक्स्ट इसका आ गया वी वेदर नॉन रेजिडेंस कैन बी वायस अंडर सेक्शन 194Q एक्ट, भी क्या नॉन रेजिडेंस के एक्ट मतलब कंडीशन में जो बायर्स है वो TDS काटेगा क्या। तो ये ओनली जो मतलब कंडीशन लागू होती है वो 194Q की, वो रेजिडेंस पर्पज से ही जो बिजनेस है उसी के ऊपर ही लागू हो रही है, यानी कि नॉन कंडीशन के ऊपर ये नॉन इफेक्टिव है। तो ये मैटर भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद में यहां पर काफी सारे मैटर और भी आएंगे, यहां पर भी स्पष्ट रूप से इस 4.6 के अंदर भी उन्होंने दे दिया है भी वेदर टैक्स इज टू बी डिटेक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट, तो एडवांस पेमेंट पे भी इज रिक्वायर्ड टू क्लेरिफाई इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट सेल अप्लाई टू एडवांस पेमेंट मेड बाय द बायर्स, इट क्लेरिफाइड द सेंस द प्रोविजंस अप्लाई ऑन पेमेंट ऑन क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर द प्रोविजन सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट सेल अप्लाई टू एडवांस पेमेंट मेड बाय द बायर्स टू द सेलर। यानी कि जो बायर से जो एडवांस पेमेंट हम कर रहे हैं, पेमेंट आपने पूरी अमाउंट करी है, जितनी अमाउंट आपने पेमेंट करी है तो उसके ऊपर आपको TDS डिडक्ट करना होगा। अब इस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपने एक बार राउंड फिगर के अंदर पेमेंट करी है, अब राउंड फिगर का पेमेंट का मतलब जैसा कि हमारे पास ये इनवॉइस है, अब इनवॉइस आपको पता है भी 75 लाख का आना है, लेकिन आपने जो पेमेंट अभी करी है वो 30 लाख ही करी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भी आपको 30 लाख के ऊपर तो आपको TDS डिडक्ट कर लेना ही है। अब उसके बाद में आपको देखना भी डिफरेंस अमाउंट कितना बच गया, डिफरेंस अमाउंट किसका कैलकुलेट करना होगा, इस टैक्सेबल अमाउंट का और जो आपने पेमेंट कर दी है, अब इन दोनों में से माइनस करने के बाद में जो अमाउंट और रिमेनिंग बचेगी उसके ऊपर भी आपको बाद में TDS है जो डिडक्ट कर लेना है, क्योंकि अभी आपको फाइनली इस बात का पता नहीं है भी जो गुड्स आएगा उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, हो सकता है क्वांटिटी कम ज्यादा भी हो सकती है, एक बार आपने राउंड फिगर के अंदर गुड्स को परचेज करने के लिए आपने पेमेंट किया है, तो उस कंडीशन में आपको जो डिफरेंस है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इनवॉइस आने के बाद में। तो ये काफ़ी सारा कुछ है जो क्लियर हो चुका है, और उसके बाद में ये 4.7 ये भी एक इम्पोर्टेंट है, हालांकि इस पर हमने पहले भी बात कर ली है भी
वेदर प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 194 क्यू द एक्ट सेल अप्लाई टू बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि भी ऐसा कोई भी बायर्स जिसका जिन्होंने मतलब क्या है जो 20 मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान 2021-22 के दौरान उन्होंने अपना कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया है, यानी कि बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है, तो क्या उसके ऊपर 194Q का सेक्शन लागू होगा? तो यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर है भी जो 194Q सेक्शन उन्हीं के लागू होगा जिनकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020-21 के दौरान जो उनकी टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की है। तो जिन्होंने कॉर्पोरेशन मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में शुरू किया, 2021-22 में शुरू किया, तो उसके ऊपर ये 194Q है जो अप्लाई नहीं होगा। तो ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से एज ए अकाउंटेंट की हम नज़रिए से देखें तो काफ़ी कुछ हमें जब परचेज की एंट्री करेंगे या एडवांस की पेमेंट करेंगे तो हमें कुछ काफ़ी कुछ ध्यान में रखना होगा। अगर ये बिल्कुल सिमिलरिटी होता भी, चाहिए आप परचेज एडवांस पेमेंट करो चाहिए आप परचेज करो, तो आपके नेट वैल्यू पे कटा, तो हम इसको लास्ट में टोटल क्रेडिट या डेबिट लेजर की स्टेटमेंट को देख के भी TDS डिडक्ट कर सकते थे। लेकिन अब इस कंडीशन में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो दोनों एंगल से ही चेंज हो गई है। परचेज की कंडीशन में अलग रूल लागू हो रहे हैं, एडवांस की पेमेंट में कुछ अलग रूल लागू हो रहे हैं। तो इस वक्त हमें थोड़ी सी केयरफुली हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप कि ये कुछ डाउट्स आपके जो पहले थे वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी टाइप की और भी वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।